पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर शुक्रवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल और पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे ने प्रशासनिक भवन स्थित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति की गहरी समझ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की थी। विचारधाराओं के इस संघर्ष काल में दीनदयाल जी के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। उनका एकात्मवाद भारत के संगम समग्र चिंतन का आधार बिंदु है। दीनदयाल जी के विचारों पर प्रकाश डालते हुए महापौर ने बताया कि दीनदयाल जी भारतीय समाज के किसी घटक को स्वतंत्र नहीं मानते, यह सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस दौरान प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी, प्रोफेसर राजश्री गौड़, डॉक्टर मनीष पांडे, डॉक्टर मनीषा राय और सुनील कुमार सहित अन्य शिक्षक और नगर निगम के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, हाइट है क्या इसमें? तो कौन था आज विश्वविद्यालय प्रांगण में दीनदयाल जी की आदमकद मूर्ति यहाँ पर लगी है। आज पूरा देश दीनदयाल जी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। दीनदयाल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के हर गरीब को विकास में उनके घर घर तक आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को प्रेरित किया, योजना बनाई कि समाज में सबसे पिछली पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को न्याय, सामाजिक सुरक्षा और उनका उत्थान कैसे होगा, ये सोच हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की थी। और उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर इसको आगे बढ़ाया और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, पूरा संघ परिवार, भारतीय पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी दीनदयाल जी के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। हर गरीबों को सेवा के लिए तत्पर हैं। आज दीनदयाल जी की हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किया है महानगर गोरखपुर के तरफ से। हमारे साथ हमारे उपसभापति नगर निगम राजय राय जी, पप्पू जी और सारे, दिनेश त्रिपाठी जी, ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं गोरखपुर की तरफ से हमारे पूर्व महामार महापौर सत्या पांडे जी उपस्थित हैं। महानगर वासियों की तरफ से मैंने दीनदयाल जी की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। उसे हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहती है। हम सभी शहर के वासी इनको आज शहरवासियों की तरफ से मैं श्रद्धांजलि देता हूँ।